साथ मैं आदिति त्यागी हूँ। बात करेंगे देश की आधी आबादी की, तो महिलाओं का अपमान करना तो जैसे आजम खान की आदत बन चुका है। सड़क हो या फिर संसद, वो अपनी शहादत को दोहराते दिखते हैं। अभी ज्यादा दिन बीते नहीं है जब रामपुर से पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ उनकी बदजुबानी सामने आई थी, और अब लेटेस्ट मामला तो आप कई दिनों से देख ही रहे, संसद में कैसे उन्होंने मर्यादा की सीमा को या मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया। संसद में उनके बिगड़े बोल पर माफी की मांग ने जोर पकड़ लिया है, उनसे माफी की मांग भी की जा रही है, लेकिन उनके तेवर तो बदलने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में अगर कल वो संसद में अपनी असंसदीय टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन महिलाओं के खिलाफ सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि उन्हीं की पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की सोच ज्यादा अलग नहीं। मुस्लिम महिलाओं की ट्रिपल तलाक से आजादी उन्हें मंजूर नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या महिलाओं के खिलाफ आजम वाली सोच पर फुल स्टॉप लग पाएगा, और इसीलिए हम ताल ठोक के स्पेशल एडिशन इन बड़े सवालों के साथ लेकर आए हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। महिलाओं पर आजम बेलगाम, सिर्फ क्या माफी से चल जाएगा काम? शरीयत के नाम पर महिलाओं को टॉर्चर से आजादी कब मिलेगी? कट्टर पंथियों को खुश करने के लिए महिलाओं से नाइंसाफी मंजूर कैसे की जा सकती? आजम की बदजुबानी पर असहिष्णुता क्यों नहीं दिखती? महिला विरोधी आजम खान जैसी सोच से इस देश को, हिंदुस्तान को, इस देश की आधी आबादी को आजादी कब मिलेगी? ये वो सवाल जो हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ चारू प्रज्ञा हैं, ताहिरा हसन वाइस प्रेसिडेंट हैं AIPWA की, शोएब अलम जमई हैं हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं, अब्दुल रजाक खान पॉलिटिकल एनालिस्ट अब्दुल रजाक खान कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं, ऐश्वर्य भाटी हैं हमारे साथ सीनियर एडवोकेट। और मेरा पहला सवाल अब्दुल रजाक खान, सवाल बहुत सीधा सा, क्या कल आजम खान रमा देवी से माफी मांगेंगे? हालांकि इसमें ये लाइन मैं ऐड कर दूं, भारत माता को डायन बुलाने से लेकर उनका एक नहीं बल्कि हजारों विवादित बयान, उसके बाद उम्मीद कम है। आदित्य जी, माफी किस बात की मांगी जा रही है? बीजेपी के अहंकारी नेताओं के अहंकार की माफी चाहिए? क्या यह पहली बार ऐसा संसद में हुआ है जब प्रधानमंत्री जी रेणुका चौधरी का मजाक उड़ाए थे, क्या उन्होंने माफी मांगी थी? क्या काकोली घोष टीएमसी की सांसद थी, उनका जो मजाक उड़ाया था बीजेपी नेताओं ने, क्या उन्होंने माफी मांगी थी? अरे कल किस बात की माफी मांगी जाएगी आजम खान से? अध्यक्ष महोदय, आप तो सर आजम खान से माफी नहीं मांगी जाएगी, आजम खान माफी मांगेंगे। सर आप सुनिए मेरी बात, आप ये बताइए मुझे, आपको आपको दूसरों के बयानों में गलती दिखाई दे रही है, फिर आजम खान जैसे ही आप उन बयानों के साथ जिनमें आप कह रहे हैं कि महिलाओं का अपमान किया गया, आजम खान के बयान की आप तुलना करते हैं, आप तो खुद ही कह रहे हैं उन्होंने गलती की है, माफी मांगनी चाहिए फिर उन्हें? एक शब्द बताइए जो अनपार्लियामेंट्री था उस दिन जब आजम खान ने बात की थी, कोई एक शब्द बता दीजिए जो अनपार्लियामेंट्री था, एक भी शब्द उन्होंने अनपार्लियामेंट्री नहीं कहा। स्पीकर मैडम तो कंफर्टेबल थी। सर आपने शायद तो फिर उन मैडम को सुना नहीं, मैडम ने क्या कहा उसके बाद, मैडम ने क्या कहा आपने सुना नहीं? उसके बाद जो आपत्ति दर्ज कराई गई वो आपने सुनी नहीं, देखी नहीं, या आंखें मूंद ली आपने शब्दों को? माफी मांग लीजिए ना भाई, खुद अपने मन से अपने मुंह से भाई कहिए, और इन्होंने भी कहा कि आप मेरी प्यारी बहन है, तो ये सिर्फ अर्जुन राम मेघवाल जो उठ करके इसको आपत्ति जताई थी, फिर उनके बाद रविशंकर प्रसाद जी, तब जाकर के पूरे बीजेपी अब्दुल रजाक खान इतने दिनों से जो हंगामा मचा है, जो महिलाओं का रोष सामने आया है, जो सिविल सोसाइटी खुलकर बाहर आई है, जो महिलाओं को आपत्ति हो रही है इस बयान पर, इनको कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ नहीं सुनाई दिया? मैं इनको याद दिला दूं, अगर खान साहब को नहीं मालूम है तो हमारे देश की जो संस्कृति है उसमें इन सब चीजों को बुरा नहीं, बहुत ही ज्यादा बुरा माना जाता है। और आप स्पीकर मैडम की बात कर रहे हैं खान साहब, शायद आपको याद नहीं होगा उन्होंने अपॉलोजी ही नहीं डिसमिसल डिमांड करा है, डिसमिसल, ये नहीं सुना आपने? आप बताइए रेणुका चौधरी का मजाक नहीं उड़ाया गया था? देखिए ये इस देश के मर्दों की समस्या है, जो आंखों के सामने एक महिला का अपमान हो रहा है, वो महिला कह रही है माफी मांगिए, वो स्पीकर जी से अपील कर रही है कि इनको पार्लियामेंट से डिसमिस करिए, और फिर भी यहाँ ऐसे लोग हैं जो बैठकर आजम खान को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अदिति मैं आपको एक बात कहूं, आजम खान का जो कहना था
वो तो है ही इसी किस्म के इंसान करने वाले ज्यादा बड़े गुनहगार हैं। मैं यही बोलने वाली थी अदिति, गुनाह करने वाला तो गुनहगार है लेकिन उस गुनाह का साथ देने वाला उससे भी बड़ा गुनहगार है। आप देखिए दोनों समय जब महिलाओं की बेइज्जती करी आजम खान ने, जयाप्रदा जी की करी और अभी रमा जी की करी, दोनों वक्त वहीं पर खड़े थे अखिलेश यादव जी और उनके मुंह से एक शब्द नहीं लिखा महिलाओं के सम्मान के लिए, जबकि उनकी खुद की धर्मपत्नी राजनीति में है। उनको ये नहीं लगा कि वो कैसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बाकी राजनेताओं के लिए? और फिर खान साहब, आप जैसे लोग आ जाते हैं टीवी पर जो उनको डिफेंड करते हैं, उस आदमी को आप डिफेंड कर रहे हो जो गरीबों का पैसा लूट कर जमीन हड़प गया, 3 करोड़ से ज्यादा का उसके ऊपर फाइन लगाया गया है, उसको डिफेंड कर रहे हो जो भारत माता को एक बार नहीं 2 बार डाइन कहा। पहली बार जब कहा तो लोगों को लगा शायद गलती हो गई होगी, फिर पूछते हैं, जब जाकर उनसे दूसरी बार पूछा गया तो कहते हैं हाँ मैं तो कहूंगा। और आपको मैं बताती हूँ, ये वो इंसान है जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया तक को ये हिजड़ा कह चुके हैं, आप उस आदमी को आज डिफेंड करने बैठे हो। मोरालिटी आपकी कहाँ गई भाई? आजम खान की तो है नहीं। यूपी के वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के दयाशंकर सिंह मायावती जी पर हम क्या बोले थे? एक सेकेंड अब्दुल रजाक, विरोध के लिए विरोध मत कीजिए। आज आप आजम खान ने तो महिलाओं का अपमान किया ही सर, इस बहस में बैठकर आप भी इस देश की 500 मिलियन आबादी का अपमान कर रहे हैं। उस स्टेटमेंट को डिफेंड करते हुए आप भूल गए किस देश की महिलाएं? आप अभी सर ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए अभी आपने स्पेस में कामयाबी को सेलिब्रेट किया है। एक हफ्ता भी नहीं हुआ। और उस मिशन को कामयाब करने वाली 2 महिलाएं थी, उस प्रोजेक्ट में 30% महिलाएं थी। इस देश में फाइटर जेट महिलाएं प्राप्त हुए, आप क्या समझते हैं महिलाओं को? क्या समझ रखा है आजम खान जैसी सोच वाले लोगों ने इस देश में महिलाओं को? सर क्या समझते हैं आप लोग? और आप डिफेंड कर रहे हैं डिबेट में बैठकर, शर्म आनी चाहिए आपको, आपको शर्म आनी चाहिए। तायरा हसन सर, आप बैठ जाइए चुपचाप होकर, आप बैठ जाइए। आपको इतनी बेसिक सेंस नहीं है कि किस स्टेटमेंट को डिफेंड करना है और किसे क्वेश्चन करना है। इस तरह की अभद्र, जिस तरह की अभद्र टिप्पणी, जिस तरह का स्टेटमेंट दिया आजम खान ने लोकतंत्र के मंदिर में, सुनिए खान साहब, वो कोई होता, आजम खान होता या कोई हो, उसका कंडम किया जाएगा। मेरा तो कहना है कि जो हमारी संसद वहां महिलाएं थीं, उनको घेर लेना चाहिए था, आजम खान को निकल के जाने नहीं देना चाहिए था। ये कमी रही हमारी वहां की संसद महिलाओं में, जो हमारी सांसद महिलाएं थी, उनको घेरना चाहिए था आजम खान को। ऐसे आप कह कि यू विल गेट अवे, ये कब तक चलेगा? फलाने ने कहा, धमाके ने कहा, जिसने महिला अस्मिता पे प्रहार किया हम सबका कंडेम करते हैं। क्या एक गलती से दूसरी गलती को जस्टिफाई किया जा सकता है? अगर किसी और ने कहा तो उसको भी कंडेम किया जाएगा कि महिलाओं की अस्मिता को कोई नहीं रोक सकता। इट्स अ हाई टाइम, अब सीखना पड़ेगा। मिस्टर खान कहते हैं कि वो बहन मानते, छोटी बहन है आजम खान कहते हैं। मैं आजम खान से पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मिस्टर खान, क्या आप अपनी बहन से ऐसे ही बात करते हैं? कि आंख में आंख डाल के बात करता रहूंगा, ऐसी बात करते हैं? ये हमारा कल्चर है? ये कौन सा आप बता रहे हैं? ये इस्लामिक कल्चर है? कौन कल्चर है देखिए खान साहब, सुनिए बात को, बात सुनिए मैडम, क्या ये दौर चला गया? महिला को कमोडिटी समझा जाए, उसकी हंसी अब खिल्ली उड़ाई जाए, अब वो दौर चला गया। किसी की हिम्मत नहीं है कि अब महिला की खिल्ली उड़ाएगा, ये याद रखिए। चाहे वो लोकतंत्र के मंदिर के अंदर उड़ाए या बाहर, हिम्मत नहीं होगी। अब हमारे पास कानून है, उसके अलावा हम एकजुट होकर लड़ेंगे। महिलाएं पार्टी लाइन के ऊपर उठ के लड़ेंगी, ठीक? महिलाएं लड़ेंगी क्योंकि इसमें पार्टी लाइन है ही नहीं, इसमें हाफ अ बिलियन का सवाल है, इसमें महिला के सम्मान का सवाल है, महिला के सम्मान का सवाल है। लेकिन शोएब आलम जमाई मैम, ठीक है, प्लीज शोएब आलम जमाई, अभी तायरा हसन ने एकदम साफ लफ्जों में कहा ये इस्लामिक कल्चर नहीं है भाई, आजम खान जैसे लोग उसे रिप्रेजेंट करना नहीं जानते और ना उनको ये मौका दिया जाना चाहिए। देखिए
हिंदुस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया में चाहे जो भी शख्स हो, चाहे आजम खान हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी शख्स हो, जो भी महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित बात करे और उसकी गरिमा और डिग्निटी के खिलाफ बात करे, उसकी कंडम करना चाहिए। किसी को भी उसको बैठ करके सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब देश का मुखिया ही 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहे, सुर्ख नखा कहे, जर्सी गाय कहे, तो इस तरह की चीजें, ये सब अनपार्लियामेंट्री है, नहीं होनी चाहिए। आजम खान जी ने भी जो कहा वो भी महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है, मैं इसका कंडेम करता हूँ। लेकिन आप समझिए कि एक उससे भी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अगर इस तरह की बात करते हैं तो देश में एक जो है वो समाज को एक गलत मैसेज जाता है। तो इसलिए जब कोई भी शख्स, इसलिए सिर्फ आजम खान, अगर आजम खान मुसलमान है तो आप आज हंगामा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक सेकंड शोएब आलम जी पे एक सेकंड शोएब आलम जमाई ये विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। आप इसमें मुस्लिम ले आए, आप में और आजम खान में फर्क क्या है? उनको फौज में हिंदू मुसलमान दिखाई देता है, उनको महिलाओं के अपमान में हिंदू मुसलमान दिखाई देता है, उनको हर बात में हिंदू मुसलमान दिखाई देता है, और यहाँ पर आप महिलाओं के अपमान में हिंदू मुसलमान ले आए उनको डिफेंड करने के लिए। सर शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं ये नहीं, नहीं आप समझिए मेरी बात को, शर्म किसी को नहीं आनी चाहिए, शर्म आपको शर्म आनी चाहिए सर। जब एक शख्स महिलाओं का अपमान करता है, उसका रिलीजन लेकर आ रहे हैं, बच्चे पैदा करें, आप उसमें हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सर। उसमें हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बताइए ना, दो गलत, आप बताइए ना, सही नहीं कर सकते हैं। जो जर्सी गाय, जर्सी गाय बोलना महिलाओं का अपमान नहीं है, जो जर्सी गाय कहा वो भी गलत है, बिल्कुल कंडेमेबल है। महिलाओं के हमारे सर, आप ये मुस्लिम कार्ड कैसे लेकर आए? आप मुझे पहले इस बयान के लिए माफी मांगनी चालू कर दिया। हम लोग जब इस समय कुछ भी बात कर रहे हैं, हम एक महिला के सम्मान की बात कर रहे हैं, उस समय संसद में भी महिलाओं के सम्मान की ही बात चल रही थी, ट्रिपल तलाक के इशू की बात चल रही थी। लेकिन आप जैसे लोग हैं जो सम्मान की बातों को भी हिंदू मुस्लिम में तोड़ देते हैं। भाई साहब, आपने तब भी इतनी जोर शोर से आवाज उठाई थी क्या जब डाउरी के खिलाफ एक्ट बन रही थी? लेकिन ट्रिपल तलाक के बारे में हम बोलने चलते हैं तो आप हिंदू मुस्लिम करने आ जाते हैं? अरे कोई भी महिलाओं के खिलाफ बोलेगा, महिला एकजुट होकर खड़ी हो जाएंगी। उस दिन संसद में भी यही हुआ, कोई भी महिला किसी भी पार्टी की थी, साथ खड़ी थी अपनी महिला नेता के साथ, साथ खड़ी थी। पर क्या पुरुष एकजुट हो सकते हैं? इस पैनल पे आज भी ऐसे पुरुष हैं जो सही को सही बोलने की हिम्मत नहीं रखते, नहीं रखते। आज भी उनकी नजरों में महिलाओं की इज्जत नहीं है, इसीलिए वो ऐसी बात करते हैं। किसी भी मजहब में, एक सेकंड, हिंदुस्तान की संस्कृति भी आप बात करें तो इस जो है औरत की पांव, माँ के पांव के नीचे जन्नत कहा गया है। हाँ, तो जन्नत है, जन्नत है। लेकिन आप एक महिला को कुछ भी बोल दे, किसी भी तरीके से बात करे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे और बाद में उसको बहन बोल दे, माता बोल दे, ठीक है, आवाज उठानी चाहिए। ये सीख है, ये सीख आप हमारे देश के युवाओं को देना चाहते हैं। संसद से टेलीकास्ट हो रहा था ये सब, आप भूलिए मत इस बात को, पूरी दुनिया ने देखा है। एग्जाम्पल बनाया जाना चाहिए, उनको डिसमिस कर देना चाहिए पार्लियामेंट से। हिमाचल प्रदेश शोएब आलम जमाई, मंत्री भी जब कोई बात शोएब आलम जमाई देखती है मैडम, शोएब आलम जमाई सर आप मुझे सुनेंगे सर? तो पूरी दुनिया देखती है। शोएब आलम जमाई सबसे पहले बिल्कुल आप अपना वो स्टेटमेंट वापस लीजिए कि आजम खान को मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। हर बात में भारत पाकिस्तान करने की आदत है आजम खान को, उन्हें अपने फादर्स की गलती दिखाई दे रही है। सत्ता भोगते हैं तो उन्हें पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता, लेकिन सत्ता हाथ से निकल जाती है तो उन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है। उनको फौज में हिंदू मुसलमान याद आ जाता है। आज मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और सर आपको भी शर्म आनी चाहिए। आप एक ऐसी कट्टर सोच को एक ऐसे आदमी को डिफेंड कर रहे हैं जिसकी एक गलती नहीं, जिसका एक लंबा इतिहास है सर। आदित्य और आप उसमें हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप बीजेपी वालों से डरती हैं क्या? हिंदू मुसलमान एक सवाल है मेरा आपसे, आप उसमें हिंदू मुसलमान कर रहे हैं सर? आदित्य जी मेरा एक सवाल है, आप बीजेपी वालों से डरती हैं क्या? सर आप डरिए, डरने का काम आपका है। मैं महिलाओं की बात करती हूँ, डरने का काम विक्टिम कार्ड आप खेलिए सर, आप खेलिए विक्टिम कार्ड। मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सशक्त हूँ। कही थी मुझे जरूरत नहीं है, कान खोल के सुनिए, कान खोल के सुनिए। क्या क्या इस देश की आधी आबादी अबला नहीं है, आप इस माइंडसेट से बाहर निकल कर आइए।
शोएब आलम जमाई माइंडसेट से बाहर निकल कर आइए और एक बार फिर से दोहरा देती हूं आपको, इस देश में महिलाएं फाइटर जेट उड़ाती हैं। आप जैसे लोग डिबेट में आते हैं ना, इस देश की महिलाएं फाइटर जेट उड़ाती हैं, स्पेस में एक के बाद एक कामयाबी दर्ज कराती हैं, और आप लोग अपनी दकियानुसी सोच को भी मजहबी रंग देते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आगे मौका दूंगी आपको, ऐश्वर्या भाटी सर माफी मांगिए आप अपने बयान पर, माफी मांगिए आप अपने बयान पर, देश के महिलाओं को सल्यूट करता हूं। माफी मांगिए आपने उसमें कैसे मुस्लिम लेकर आया जी, जी। उसमें आपने मैं कैसे हिंदू मुस्लिम किया? महिलाओं को सल्यूट करता हूं। हाँ, और अगली ही बात में गाली दे देता हूं महिलाओं को, अगली ही लाइन में आजम खान जैसे लोगों को डिफेंड कर देता हूं। कोई बात नहीं सर, ऐश्वर्या भाटी पता चल गया मुझे सर, आप जैसे ही उसमें हिंदू मुस्लिम करने लगे मुझे पता चल गया आप क्या कर सकते हैं। आपसे भी मैं ऐश्वर्या भाटी सॉरी 15 मिनट बाद आपके पास आई हूं, लेकिन यहां पर आपने देखा कैसे कुछ लोग एक्सपोज हुए, उन्हें बेनकाब करना बहुत जरूरी था। मैं आपसे ये बात करना चाहती हूं कि पार्लियामेंट में कुछ प्रिविलेजेस होते हैं जिनकी आड़ में कुछ लोग छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन 1973 का एक फैसला जिसमें संविधान की व्याख्या की गई, केशवानंद भारती बनाम केरला सरकार, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, उसमें साफ साफ ये कहा गया अगर कोई संविधान की भावनाओं को आहत करता है तो वो हमारे दरवाजे पर आ सकता है, क्योंकि संविधान को बचाना अदालत की जिम्मेदारी है। इस मामले में पार्लियामेंट के बाहर कौन कौन से विकल्प हैं? देखिए, पहले तो अदिति जी मैं एक बात आपको सबको याद दिलाना चाहूंगी कि एक वर्ड है जो डिक्शनरी में आ गया है जिसमें हम कहते हैं कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। इस बात को इससे समझिए कि पार्लियामेंट में किस तरह की भाषा का उपयोग होना चाहिए, तो एक अनपार्लियामेंट्री भाषा का एक डिक्शनरी मीनिंग आ गया कि उस तरह की इस तरह की जो गलत मतलब कोई भी इनटेम्परेट लैंग्वेज का यूज अनपार्लियामेंट्री भाषा कहलाता है। ये तो एब्सोल्यूटली मतलब डिग्निटी डेकोरम सब चीज को तोड़ते हुए एक इतनी ही वाहियात तरह की बात कहने की बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो पूरा डिस्कशन चल रहा था, जो सारी बहस थी वो ट्रिपल तलाक के एक्ट के मुद्दे पे सारी बहस चल रही थी, और इस इश्यू पे हमने देखा है कि जेंडर जस्टिस का मामला आते ही कई सारे हथकंडे पॉलिटिकल पार्टीज हथियाने लग जाती हैं। देखिए, ये इस मामले को अभी कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाने की बात पे मैं अभी नहीं आऊंगी, क्योंकि पार्लियामेंट का जो प्रिविलेज है वो उसको उसकी सैंक्टिटी काफी हाई है, और सुप्रीम कोर्ट उन इश्यूज में तभी इंटरफेयर करती है जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट हो रहे हों, और इस इश्यू में अभी स्पीकर सक्षम है इस पे एक्शन लेने के लिए, इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए और कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए जो एग्जेम्पलरी बने। पार्लियामेंट की एक मर्यादा है, महिलाओं की डिग्निटी को लेके उसको अपहोल्ड करना बहुत जरूरी है। ये इश्यू ऐसा नहीं है कि अभी पार्लियामेंट के बाहर हो गया तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाने की जरूरत है, पर हमें यह भी समझना जरूरी है कि पीछे जो सारा इसका मोटिव उस पूरी बहस को डिरेल करने का था, ताकि ट्रिपल तलाक के जो मेरिट्स हैं उस पर बात हो नहीं और बात कहीं ना कहीं और चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है। ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाएं कैसे इस शख्स से उनकी आवाज उठाने की उम्मीद कर सकती है लोकतंत्र के मंदिर में चारू प्रज्ञा? और मेरा एक और सवाल है, एक्शन होगा आजम खान के खिलाफ, माफी नहीं मांगेंगे तो? मेरा ये मानना है अदिति, और मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील भी है स्पीकर जी से, कि ये कंप्लेंट बहुत सीरियसली ली जानी चाहिए, क्योंकि आजम खान जैसे लोग बार बार एक ही हरकत करते हैं तो वो तो हैबिचुअल ऑफेंडर बन चुके हैं। उनको ये लगता है वो किसी भी महिला को कुछ भी बोलेंगे और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। इस बात को हमें बहुत ही सीरियस तरीके से लेना चाहिए, और इनका जो जवाब है इस इंसिडेंट का इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आगे आने वाला किसी भी इंसान में हिम्मत ना हो कि आवाज उठा सके। दूसरी बात अदिति, आप जो बोल रही थी ट्रिपल तलाक वाला इशू है, आप ये देखिए ऑपोजिशन ने किस किस तरीके के मुद्दे उठाकर ऑब्जेक्शन दिया है। उनमें से कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो मुझको वैलिड लगता है। मैं एक महिला हूँ, मुझे लगता है जो लड़ाई महिला के आत्मसम्मान के लिए हो रही है, महिला के परिवार के लिए हो रही है, उस लड़ाई में तो सब लोगों को साथ खड़ा रहना चाहिए ही था ना। उन चीजों को, इन बड़ी बातों को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने के लिए आजम खान और उसकी पार्टी सदा तैयार रहती है। अब्दुल रजाक खान जी, आप मेरे ऊपर बोलेंगे तो मेरी आवाज दब नहीं जाएगी। मैं एक महिला हूँ और इस समय ट्रिपल तलाक के फेवर में बोल रही हूँ। आप और आपके सपोर्टर्स जो स्टैंड ले रहे हो वो आपके कुरान तक के खिलाफ है, आप जानते हो।
मैम सिर्फ माफी काफी है? देखिए मैं तो ये भी पूछ रही हूँ, क्या सिर्फ माफी काफी है? मेरा कहना है कि ट्रिपल तलाक की बात तो देखिए कुरान में है नहीं, तीन तलाक एक साथ कुरान में कहीं नहीं है, वो बार्बेरिक कोई एक्ट कुरान में इस्लाम में नहीं हो सकता, इस्लाम बार्बेरिक नहीं हो सकता, इनह्यूमन नहीं हो सकता, इंसानियत पर टिका है। तो जाहिर है उसको 22 मुस्लिम मुल्क हटा चुके हैं और इस डेमोक्रेटिक सेटअप में अभी तक चल रहा था, यही बड़ी शर्मनाक बात थी। उसको हटना चाहिए, एक कानून आना चाहिए, उस कानून पे जो भी मुझे लगता है थोड़ा सा उस कानून की कमी है। मुझे यहाँ पर रोकना पड़ेगा, मेरे पास वक्त की कमी है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज पर इस चर्चा में, इस बहस में शामिल होने के लिए। लेकिन अब हर किसी की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि कल संसद में क्या होता है, महिलाओं के सम्मान को देखते हुए क्या स्पीकर, क्या आजम खान माफी मांगेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। और अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो स्पीकर क्या करेंगे, इस पर हर किसी की निगाहें रहने वाली है। पूरा अपडेट जी न्यूज आपके लिए लेकर आएगा। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप रहिए।